हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। किस जी बोल रहे हैं सर? कौन? झील बोल रही हूँ, एक्सिस बैंक की। झील? यस सर। झील जाके नदी में मिल जाओ। जाओ सर। मुकेश जी। हाँ। आपके पेमेंट के लिए कॉल किया। मुकेश जी बात कर रहे हो ना आप? हाँ। 7608 वाले क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल किया। पेमेंट ड्यू 26,882 रुपीज मिनिमम है, लास्ट मंथ का 4,527। सर आप मुझे बता सकते हो अभी तक आप पेमेंट नहीं हुआ आपका क्यों? हाँ भाई आ जा। पेमेंट हुआ नहीं मैडम, मन नहीं कर रहा देने का। बता बस सर, रीजन क्या है ये बताओ। रीजन क्या बताओ मैडम, रीजन जान के क्या करो? रीजन जान के किसी का भला हुआ आज तक? नहीं बट सर हम आपके ऑफकोर्स बात तो बता सकते हो ना कि किस रीजन से नहीं हुआ, 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे सर? मन नहीं कर रहा बताने का। अगर सामने वाले को नहीं बताओगे तो फिर ऐसे आपको बार बार कॉल आता रहेगा, या तो पेमेंट करवा दो, नहीं बता सकते हो तो कॉल जैसे अगर मैं बता दूंगा रीजन तो नहीं आएगा? तो आगे ऑफकोर्स वो अपडेट करेंगे हम, तो आगे से हमको अपडेट आएगा तो हम नहीं कॉल करेंगे। जेन्युइन रीजन होगा तो। किसने बोल दिया आपको आगे से कॉल नहीं आएगा? मैं मेरी तरफ से बात कर रही हूँ। आपकी तरफ से क्या बात करूँ, आप तो खुद एक नौकर हो बैंक की, या बैंक ही कह रहे हो जिस भी एजेंसी की हो। तो हाँ हमारा काम है तो हम कॉल कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, तो उसमें आप ऐसे क्यों बोल बात कर रहे हो? पेमेंट हुआ कि नहीं, कि होगा कि नहीं ये बताओ ना सर मुझे। पेमेंट होगा मैडम, पेमेंट करने की कंडीशन है। क्या? मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पेमेंट करवा दो सर। पेमेंट करने की कंडीशन बता रहा हूँ, मुझसे शादी करनी पड़ेगी, आपको डलवाना पड़ेगा वरमाला अपने गले में। सर पेमेंट कब होगा मुझे ये बताओ, और नहीं होगा ना तो ऐसे साफ साफ मना कर दो, नहीं होगा पेमेंट। नहीं होगा पेमेंट, ठीक है? और ऐसे बात नहीं करी जाती किसी से अगर आपको कोई कॉल करता है तो। मैं तो ऐसी करता हूँ ना, मेरी आदत है। क्या करूँ, ऐसे ही बात करते हो? घर पे भी ऐसे बात करते हो? घर पे वाइफ से कह देता हूँ डाल दूंगा ऐसी करके, ऐसी कहता हूँ। वो आपकी लैंग्वेज ही बता रही है कि आप ऐसे ही हो। वाइफ ज्यादा बोल दिया ना, कहता हूँ वो कल की तरह ही डाल दूंगा ऐसे करके कहता हूँ। पेमेंट नहीं करना तो नहीं कीजिए सर, सामने अगर आपको कोई कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना तो उससे तमीज से बात करो। मैडम इन्फॉर्मेशन अगर दे दी ना तो जैसे कस्टमर ने मना कर दिया नहीं करूंगा तो उसके पिछवाड़े में चुपकते नहीं है, ठीक है? चूतड़ के बाल की तरह चुपके जा रही है, मना कर दिया नहीं दूंगा सर, कारण बता दो। नहीं बताना कारण तो सोच समझ के स्वाइप करना चाहिए आपको कि आगे मुझे बिल भरना पड़ेगा। मैडम मैं तो मशीन खरीद लेता हूँ बिना सोचे समझे, तो कार्ड से एक बच्चे की चाहिए। तो कार्ड जब यूज करने का वो ना सर तो सामने ने बिल भी भरा दो। अरे हाय इतनी प्यारी आवाज बाबू, नहीं इतनी प्यारी आवाज में मत बोलो। टाइम पे यूज किया तो टाइम पे बिल तो भर दो सर, बैंक की भी एक टाइम लिमिट होती है सर। मैडम मैं आपकी लिमिट वगैरह मानता नहीं हूँ ना, आपकी जो भी लिमिट होती है आप जानो, मैं थोड़ी मानता हूँ ये लिमिट वगैरह। सामने अगर लिमिट वाला कार्ड है तो सामने यूज कर रहे हो तो उसको टाइम पे भर तो दो सर। अच्छा अनलिमिट वाला कार्ड भी आता है क्या? वो आपको बैंक की तरफ से पता चलेगा। अच्छा जी पेमेंट है क्यों नहीं आपके पास, कहीं से एडजस्ट कीजिए, वो बैंक का लुकआउट थोड़ी है। पेमेंट क्या है ना, अगर रियलिटी बताऊं ना पेमेंट कहां गई पता है? पेमेंट से ना मैंने आजकल जो है ना मैंने प्लॉट ले लिया, यहाँ घर पे बीवी है ना तो घर पे मैं ला नहीं सकता बाहर से लड़कियां, तो प्लॉट पे ले जाता हूँ, वहां जाके अपने ऐश करता हूँ, मजे करता हूँ। तो वो आपका लुकआउट है सर, वो आपको देखना है कहाँ से पैसे एग्जिस्ट करने, वो बैंक का लुकआउट थोड़ी है सर। तो मैं कब कह रहा हूँ आपका लुकआउट है? तो वही तो सर, कहीं से एग्जिस्ट करिए। क्या मजेदार गर्मी है एकदम। कहाँ पे थे मैडम? कब होगा पेमेंट ये बताइए ना मुझे, कब होगा वो मैडम? 15 तारीख से पहले करना है वो, मैं एक डीलर से खरीदता हूँ ना,
रशियन तो उसने फोटो भेजी थी वो देख रहा था, बाकी आपसे क्या बात करने वाला था, मैं पेमेंट की बात कर रहा था। पेमेंट नहीं मैं नहीं है तो कहीं से एडजस्ट करो। अरे क्या मैडम वही वाली बात है, मतलब बता के भी कोई फायदा है, एडजस्ट करो एडजस्ट करे जा रही हो। 2700 रुपए भर दो, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है तो आपके पास। नहीं मुझे नहीं करना। कोई बात नहीं, नहीं करना ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख को आपका कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आगे चल के कोई छोटी से छोटी लोन लेनी होगी ना, फिर भी नहीं मिलेगी सर आपको, आगे चल के प्रॉब्लम बहुत होगी। ठीक है मैडम, मिस यू मैडम, आई लव यू। फिर पता चलेगा कि ना, जब सामने वाले बंदे ने कॉल करके बोला था ना कि पेमेंट कर दो, तो काश मैंने कर दिया होता। ठीक है, थैंक यू मैडम, मिस यू एंड लव यू मैडम। हेलो, हेलो, हाँ रितेश जी बात कर रहे हो सर? रितेश जी नमस्ते, कैशी फाइनेंस से बात कर रही हूँ सर। तो क्या हुआ सर, कैशी फाइनेंस का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? रितेश जी नमस्ते, नमस्ते, डिस्कनेक्ट कर दो, कॉल नहीं होगा पेमेंट। हाँ सर, नहीं होगा पेमेंट, डिस्कनेक्ट कर दो। क्यों क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है रितेश जी, आप मुझे ये तो बताइए ना। इंटेंशनली नहीं होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देने का मन नहीं है मेरा। ठीक है, आप ऐसे क्यों सब बात कर रहे हो सर, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है ये तो बताइए ना। बताया तो इंटेंशनली तो कैसे चलेगा। हाँ बट मतलब क्या है सर, ये तो बताइए ना, कोई कुछ बोला है क्या आपसे? बोला कुछ नहीं है, जब मुझे पता चला ना अनसिक्योर लोन होता है, आप लोग कस्टमर का बाल नहीं भागा कर सकते, बाहर भी नहीं काट सकते, कहने का मतलब। सॉरी सर, जब मुझे पता चला ना कि ये अनसिक्योर लोन होता है और अगर पैसे ना दो तो कस्टमर का बाल भी नहीं काट सकते, तुम लोग कब से डिफॉल्ट करने की सोचिए। अच्छा, तो इसके लिए नहीं भर रहे हो आप? तो वही पेमेंट सर फिर आपने बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक से क्यों नहीं लिया? बैंक से क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहाँ से बोल रही थी तुम? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अरे किसके बिहाफ से पूछ रहा हूँ? किसके बिहाफ से पूछ रहा हूँ? बिहाफ से मतलब तुम्हारा माई बाप को होने, किसके बिहाफ से कॉल किया है मुझे वो पूछ रहा हूँ। कैशी फाइनेंस से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैंने बैंकों से यूँ नहीं लिया, कैशी फाइनेंस वाले ना पैसों के साथ एक एक रेशन बंटवा रहे थे, और बैंक वाले जो है ना खाली क्या कह रहे थे वो दे रहे थे सेक्स का, तो इसलिए नहीं लिया। अच्छा, तो जब आपकी जरूरत थी सर तभी आपको कैशी फाइनेंस ने लोन अरे दिया। क्या करें आप लोग, जब रेशन बंटवाओगे तो हर कस्टमर खिंचाएगा, बंटवाने नहीं चाहिए थी ना रेशन। क्या सर? मैं कह रहा हूँ जब रशियन बंटवाओगे तो कस्टमर तो खिंचका आएगा ही, तो बंटवानी नहीं चाहिए थी ना रशियन। नहीं सर, जब आपकी जरूरत थी तभी आपको कैशी फाइनेंस ने लोन फाइनेंस करवाया। ठीक है, अगर आपको मतलब पेमेंट पे नहीं करना था तो कैशी फाइनेंस से लेना ही नहीं चाहिए था ना सर। मैडम मुझे जरूरत चाहिए था, मुझे जरूरत अब दिलवा दोगी? दिलवा दो मुझे। क्या मुझे लोन की जरूरत है, दिलवा दो। और पहले ये वाला तो पे करवा दो ना सर आप, जब नहीं, आप पहले वाला ही लोन पे करवाना होगा हो, नहीं तो पे करवाना होगा आपको। अगर पे करवाना होता तो आपसे मांगता। अच्छा हेलो, हाँ जी रितेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए रितेश जी। आई लव यू जी, आई लव यू। क्या बोल रहे? आई लव यू। अच्छा आई लव यू बोल रहे हो सर, आई लव यू टू सर, बोलिए। क्या बोलूँ, वही तो बताओ, बोलने के लिए कुछ हो भी तो सही मेरे पास, जो था वो बोल दिया। तो पेमेंट आपका ड्यू है सर, तो वही आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट डिफॉल्ट हो, तो पेमेंट तो कर ही सकते हो ना। पेमेंट डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट होगा। चलो आपने फिर क्यों डिफॉल्ट होगा, जान सकता हूँ? क्योंकि जब से मुझे पता चला है ना कि जब हम डिफॉल्ट कर देते हैं ना तो आप बैंक वाले कस्टमर का बाल भी नहीं काट सकते, एनबीएफसी वाले। क्योंकि अनसिक्योर, जब से मुझे पता चला है ना अनसिक्योर। यार बताऊंगा, बोलने तो दो।
बोलिए। जब से मुझे पता चला अनसिक्योर लोन को अगर डिफॉल्ट कर दो तो तुम बैंक वाले कस्टमर का बाल नहीं उखाड़ सकते या एनबीएफसी वाले। अच्छा, तब से मैंने डिफॉल्ट करने की सोची। अच्छा, तब से आपने डिफॉल्ट करने की कोशिश कर ली, तो मतलब ये कोशिश नहीं कर रहे हो भाई? अभी पीछे मैडम को बताया तो इंटेंशनली कर रहा हूँ, इंटेंशनली कर रहा हूँ। इंटेंशनली कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप जो है बैंको से या एनबीएफसी से वहाँ पे लोन अप्लाई करते हो और डिफॉल्ट करते हो? हाँ, मेरी आर्ट में कीड़ा है जो मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहा, मैं ऐसी करता हूँ। क्या होता है? मेरी आंड में कीड़ा आके बदले गा लगा दो तुम, ठीक है? वो मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहा। अच्छा, मना कर रहा है, समझे? मैं यार फुल फॉर्म में कभी गाली नहीं देता हूँ, मैं फुल फॉर्म में गाली नहीं देता हूँ, मैं शरीफ बच्चा हूँ इसलिए। अच्छा, शरीफ बच्चे हो? हाँ, इसलिए फुल फॉर्म में कभी गाली नहीं देता हूँ। तो शरीफ बच्चे तो डिफॉल्ट होते भी नहीं है। गालियों से शरीफ हूँ ना, मतलब ये उल्टी सीधी भाषा यार बोलनी मुझे बुरी लगती है। लड़ाई वड़ाई नहीं करता हूँ ना, गाली गलौज करता हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ा आरामी हूँ, जितना बड़ा आरामी तुम्हारे पूरे खानदान में नहीं होगा ना, उतना बड़ा मैं हूँ अकेले, गाली को छोड़ गए। अच्छा, मतलब आप अपने खानदान से सबसे बड़े वाले हैं? मैं आपके खानदान से भी सबसे बड़ा वाला हूँ, इतना बड़ा कोई हरामी या डिफॉल्टर नहीं होगा जितना बड़ा मैं हूँ। आप मेरे खानदान पे क्यों आ रहे हो? मैंने किसी खानदान की बात की क्या? अरे यार, कहने का मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये कह रहा हूँ इतना खराब आदमी तुम्हारे पूरे घर में है, तुम्हारे पूरे खानदान में कहीं नहीं होगा जितना मैं हूँ। ये है यार, तुम गलत ले रहे हो। मेरा घर कहाँ से आ रहा है ये बताइए? अरे तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। आप अपने घर के एग्जाम्पल लो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ नया एग्जाम्पल। जितना बड़ा तुम्हारा क्या कहते हैं रिकवरी डिपार्टमेंट हरामी नहीं है ना, उससे ज्यादा बड़ा मैं हूँ। जितने रिकवरी वाले है ना केले चपाटे, उनके घर में भी इतना आरामी नहीं होगा जिससे ज्यादा मैं हूँ। ठीक है, ऐसे ये एग्जांपल ठीक था, इसमें तुम नहीं पिसे, सभी पिसे। अच्छा, तो ये आपका मेंटालिटी है? ये आपकी मेंटालिटी है? यही है। अरे बड़ी जल्दी समझ गया यार, तुम समझदार हो यार। अच्छा, तो आप मेंटालिटी जो है आप बैंकों से लोन लेते हो और अपना घर चलाते हो और उसको डिफॉल्ट करते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ना? ओके, ठीक है सर। तो आप इंटेंशन जो कर रहे हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपने इतनी रिकॉर्डिंग दे दी है, काफी अच्छी बात है सर। अरे यार, पता है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो तुम बात कर रहे हो ना, कलेक्शन है रिकवरी से जो कह रहे। अरे मेरी भी तो सुन लो यार, मेरी सुन तो लो, सुनते कहो, बोलते जा रहे। थैंक यू सर। ये तो गलत बात है यार। ठीक है, चलो काट दो अपनी तरफ से, थैंक यू कह दिया तो ठीक है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।